राधा, राम राधा, जय राम। अब मैं क्या तू कर दोस्तों। अभी हमारे हाथ में है जीआई पाइप और ये 10 फीट का जीआई पाइप है, देख सकते हैं। और इसके अंदर जो है हमने प्लेट डाली है 1x1 की, जो कि तांबे की प्लेट है, और साथ में तांबे का जो है वायर भी हमने डाला है। तो लगभग 10 फीट का ये हमने होल करवाया है। और अभी ये जीआई पाइप के अंदर भी आप देख सकते हैं, इसमें होल करवाए हैं ताकि जो है हम पानी डालें तो ये पानी प्रॉपर हमारी जो कॉपर की प्लेट है उसके पास जा सके, और जो है नमी के कारण अच्छा अर्थिंग जो है हमारा अच्छे से काम कर सके। तो अभी होल हो चुका है, और इसके बाद हमने 25 किलो कोयला, 25 किलो जो है नमक मोटा वाला, और रेत, ये तीनों चीज़ें, और साथ में मिट्टी को मिलाकर हम इसको अंदर डालेंगे, और इसको अच्छी तरह से पूरा इसमें पानी डालकर इसको मिक्स करेंगे। तो ये हमारा कोयला है और नमक है जिसको कि हम इसके अंदर डालेंगे। और इसमें एक बात का ध्यान आपको ये भी रखना है कि कोयला और ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना है। एक तगाड़ी जैसे आप कोयला डालते हैं तो एक तगाड़ी नमक डालिए, और उसके बाद में जो है रेत डालिए और मिट्टी डालिए, ताकि जो है मिक्सअप रहेगा तो अच्छे से आपका अर्थिंग वर्क करेगा। लेकिन अगर आप कोयला पूरा भर देंगे उसके बाद नमक डालेंगे तो वो अच्छे से अर्थिंग काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा। तो अभी जो है हमने एक ही बोरी में नमक और कोयला भर के लेके आए थे, इसलिए जो है हमारा जो नमक है कुछ कोयले में मिक्स हो गया है, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आपको जो है नमक डालना है, कोयला डालना है, मिट्टी डालनी है, फिर उसके बाद एक तगाड़ी रेत डालनी है, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके जो है इसको फिल करना है। तो अभी हम इसको मिट्टी से फिल करेंगे, और इसके बाद में जो बाकी का हमारा कोयला बचा हुआ है, नमक है और रेत है, उसको डालेंगे। तो गाइस अभी हमने अर्थिंग की बायरी कर ली है। ये देखिए यहाँ पर हमने जो है पीवीसी पाइप का यूज़ किया है, और इस पीवीसी पाइप को जो है क्लिप के थ्रू लगाया है ताकि जो है वायर ख़राब ना हो। और यहाँ से देखिए ये हमारा जो हमने 10 फीट का अर्थिंग का जो होल किया था उसमें हमने इस पाइप को इस तरीके से लगा दिया है, और यहाँ पर इसको टेप के थ्रू इसको बंद कर दिया है ताकि इसके अंदर कोई भी पानी वगैरह और कोई भी जानवर जो है सांप वगैरह ना जाए। और यहाँ पर देखिए लक्स की मदद से इसको कॉपर के नट से कस दिया है अच्छे से ताकि स्पार्क ना हो। यहाँ से पानी डाल सकते हैं और इसको जो है आसानी से अर्थिंग को गीला कर सकते हैं। तो अभी ये जो है इस तरीके से हमने इसको फिट किया है,
दो अर्थिंग, तीन अर्थिंग यहाँ पे भी बने हैं। ये सोलर वाले अर्थिंग हैं, इसके बारे में भी हमने आपको बताया था। और ये जो अर्थिंग है, इस तरीके से हमने इसको फिट किया है। और ये यहाँ से आप देख सकते हैं अंदर की तरफ में हमारा जो है घर की मेन सप्लाई में ये अर्थिंग गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी उस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही टैक्स रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए।